हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग प्लानिंग के बाद अब नेक्स्ट टेन मिनट रिवीजन करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का विद इन टेन मिनट्स में इस चैप्टर को पूरा का पूरा जीरो टू ट्वेंट सब कुछ ए टू जेड यहां पे रिवीजन करेंगे बस एंड तक देखना और कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा दस मिनट में इसकी मेरी गारंटी है प्लानिंग चैप्टर के अंदर हमने देखा कि प्लानिंग कैसे की जाती है गोल को अचीव करने के लिए गोल सेट किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं चाहे वो मैन हो चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो इसको हम पूरी तरीके से क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे कौन किसकी ड्यूटी निभाएगा स्कूल में कोई फंक्शन चल रहा है घर में बर्थडे पार्टी होती है तो एक ऑर्गेनाइजर होता है जो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग जो मैनेजमेंट का सेकेंड फंक्शन है अगर बात करो ऑर्गेनाइजिंग की In general words, organizing refers to arranging everything in orderly form and making the most efficient use of resources. हर एक चीज को orderly form में arrange करना और resources का बहुत अच्छी तरीके से utilization करना ही organizing कहलाता है अगर मैं बात करूँ organizing के प्रोसेस uh, की तो प्रोसेस लाइन बाय लाइन ही लिखना होता है आपको पता है चार स्टेप्स आपको लिखने होते हैं प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनाइजिंग में और ये लाइन बाय लाइन लिखना है सबसे पहला स्टेप जो होता है वो था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है सबसे पहले आपका जो टोटल वर्क है आप उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दो और एक इंसान को सिर्फ एक ही काम दो मैचिंग टू हिज स्किल्स हिज क्वालिफिकेशन हिज एक्सपीरियंस ये सब देख के क्लास आप उसे काम दो सो so दैट वो काम करते 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 वो उस काम में हो जाए और गलतियां ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें और फंक्शनल कर मतलब <coughs> और डिविजनल काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटते हैं प्रोडक्शन करने वाले सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेल्स करने वाले सारे लोग सेल्स डिपार्टमेंट में मार्केटिंग करने वाले सारे लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एचआर वाले एचआर डिपार्टमेंट में दिस इज कॉल्ड फंक्शनल डिपार्टमेंट जब हम डिपार्टमेंट बनाते हैं फंक्शन के आधार पर लेकिन जब हम डिपार्टमेंट बनाते हैं प्रोडक्ट के आधार पर तो उसको बोलते हैं डिविजनल यानी कि फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और डिविजनल डिपार्टमेंटेशन वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट हेल्थ प्रोडक्ट के लिए अदर डिपार्ट एक अलग डिपार्टमेंट है ठीक है कॉस्मेटिक के लिए अलग डिपार्टमेंट है हर किसी प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट तो यहाँ पर डिपार्टमेंट बनाया जाता है फिर एक काम किया जाता है जिसका नाम है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी का मतलब ड्यूटी दिया जाना कौन इंसान कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या उसका क्लास जिम्मेदारी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पेपर दिया जाता है इसको बोलते हैं क्लास जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लास कंप्लीट लिखा रहता है कि उनकी इस काम के टूवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या अब उनको अथॉरिटी मिलेगी नेक्स्ट है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ड्यूटी हो तो के साथ -साथ आप उनको पावर भी, भी दोगे तो उस, उस दो और आप सबको पता होना चाहिए अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए तो जब आपने काम को बांटा तो किसी को पास ज्यादा पावर मिला किसी के पास कम पावर मिला क्योंकि कि किसी को काम ज्यादा मिला किसी को काम मिला कम का, काम कम मिला तो जिसको ज्यादा पावर मिला वो बन गया सुपीरियर जिसको कम पावर मिला वो बन गया सबॉर्डिनेट और जो सबॉर्डिनेट है वो रिपोर्ट करेगा सुपीरियर को यस सर यस सर करेगा सुपीरियर को मतलब मैं अपना काम कर रहा हूं तो मैं अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करूंगा वो अपने अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा दिस इज कॉल्ड स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तो ये था क्लास ऑर्गेनाइजिंग का पूरा का पूरा प्रोसेस अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस की इंपॉर्टेंस कह लो सिग्निफिकेंस कह लो या बेनिफिट्स कह लो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस क्या है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग के अंदर टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांटा जाता है और एक इंसान को एक ही काम दिया जाता है मैचिंग टू हिज स्किल्स क्वालिफिकेशन जिसकी वजह से एम्प्लॉज क्या बन जाते हैं स्पेशलाइज बन जाते हैं अपनी एक ही एक्टिविटी को बार बार करते करते क्योंकि हर किसी की एक्टिविटी बटी हुई है तो हर किसी को अपना रोल साफ साफ क्लियर है कोई क्लासेस नहीं होता क्लास की आ, मेरा काम क्या है हर किसी को पता अपना काम क्या है, वो अपना ही काम करता है ऑब्वियसली क्लास ये पॉइंट सदा बाहर मत कहीं भी आप लिख सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका पूरी तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब इतने सारे डिपार्टमेंट बनते हैं डिपार्टमेंट भले ही अलग-अलग है लेकिन सब लोग इंटरडिपेंडेंट हैं सब लोग इंटररिलेटेड है जिसकी वजह से तालमेल बढ़ता है कोऑर्डिनेशन बढ़ता है जिससे बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन भी आसानी से हो जाता है यह है क्लास इंपॉर्टेंस अब बात करते हैं स्ट्रक्चर जैसे ही आप ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली ढांचा क्रिएट हो जाएगा जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लास ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर इस ढांचे में क्या क्या होगा मतलब हर चीज़ क्लास डिफाइन uh, होगी लाइक like, किसकी क्या जॉब अपोजिशन है किसकी क्या अथॉरिटी है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक चीज़ क्लास हर किसी को क्लियर हो जाएगा दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को भी हमें कवर करना पड़ेगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है एक सुपीरियर अपने अंडर में कितने सबॉर्डिनेट्स को लेकर चल सकता है और इफ़ेक्टिवली उसे मैनेज कर सकता है मैं कितने बच्चों को ईजिली पढ़ा सकता हूँ सो दैट मैं हर एक बच्चे के डाउट्स को क्लियर कर सकूँ हर एक बच्चे से बात कर सकूँ उसको मोटिवेट कर सकूँ ये बीस भी बच्चे भी हो सकते हैं तीस पचास सौ भी हो सकते हैं दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने सबॉर्डिनेट्स को रखता है तो अगर नैरो स्पैन है ध्यान समझना नैरो स्पैन तो नैरो स्पैन से बन जाता है टॉल स्ट्रक्चर वाइडर स्पैन से बन जाता है फ्लैट स्ट्रक्चर नैरो स्पैन का मतलब क्या होता है नैरो स्पैन से नैरो का मतलब क्या एक इंसान ज़्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर रहा है ये दो लोगों को मैनेज कर रहा है ये दो लोगों को मैनेज कर रहे हैं जिससे स्ट्रक्चर टॉल बन जाता है दिस इज कॉल्ड नैरो स्पैन टॉल स्ट्रक्चर अब वाइडर के अंदर क्या एक इंसान कई सारे लोगों को मैनेज कर सकता है दिस इज कॉल्ड फ्लैट स्ट्रक्चर तो नैरो में बन जाता है टॉल और वाइड में बन जाता है फ्लैट देखो, जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे तो दो तरह का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहला होता है फंक्शनल और दूसरा होता है क्लास डिवीजन स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे काम जो है ए फंक्शन के हिसाब से बांट दिया जाता है क्लास यानी कि एक जो एक जितने भी मतलब एक जैसा काम करने वाले लोग जो हैं वो एक तरफ और जो एक जैसा प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं दिस इज कॉल्ड क्लास डिवीजन स्ट्रक्चर तो फंक्शनल काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा जाता है डिविजनल काम को प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटा जाता है तो हर किसी की क्लास अपने एडवांटेज अपने डिसएडवांटेज है, है ना अब इसकी बात करते हैं क्लास फॉर्मल और इनफॉर्मल देखो अगर मैं फंक्शन स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप एक ही काम करते करते एक्सपर्ट बन जाते हो तो इससे क्या होता है तो फंक्शनल के अंदर जब आप एक ही काम करते हो बार बार इससे एक्सपर्टाइज आती है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप एक्सपर्ट बन जाते हो और फंक्शनल के अंदर क्लास आप कम समय लेते हो खर्चा कम आता है ये सारे क्लास एडवांटेज है फंक्शन स्ट्रक्चर की लेकिन डिविजन का भी अपना एडवांटेज है ठीक है अब फंक्शन में घाटा भी है बहुत सारे घाटे भी हैं कि आपने एक इंसान को ट्रेंड किया उस काम को करने के लिए तो कल को अगर वो कोई और काम करेगा तो कर ही नहीं पाएगा आपने ट्रेनिंग उसको सिर्फ एक ही काम की दी है राइट

इसको भी जरूर देख लेना। है है और organisation। बात बात पे काम की बात हो authority, responsibility, task, goal, achievements, है ना रूल्स ये सारी चीजें क्या है क्लास आपका formal जहां पे क्लास बात की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में औपचारिक तरीके से काम कैसे करना है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है क्लास जहाँ पे अलग अलग लोग काम कर रहे हैं अलग अलग लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में क्लास एक फ्रेंडली ग्रुप बन रहा है जहाँ पे क्लास नेटवर्क बनता है सोशल फ्रेंडली ग्रुप का गप सप करना अब कंपनी में आठ घंटा एम्प्लॉय रहता है आठ घंटे तक तो काम नहीं कर सकता कंटिन्यू तो बीच में कुछ गेट टुगेदर ग्रुप्स होता है गेम होते हैं ठीक है टूर होता है डिस्कशन होता है कुछ गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता किसी भी तरीके से जहाँ पे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप होता है चैट्स होते हैं जहां लोग डिस्कस करते हैं बातचीत करते हैं दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और दोनों ही जरूरी है चाहे वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को और दोनों के अपने अपने फायदे अपने घाटे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो एडवांटेजेस है सबसे पहला सिस्टमेटिक वर्किंग काम सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा फॉर्मल क्योंकि सारी काम फॉर्मल होता है तो स्केलर चेन फॉलो होता है सबको पता है मैं अपने ऊपर वाले बॉस को रिपोर्ट करूंगा वो अपने ऊपर वाले बॉस को रिपोर्ट करेगा इसके बाद क्लास अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल सीधी सी बात है अगर आप फॉर्मली काम कर रहे हो तो आप गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हो गोल को अचीव करने में आपकी मदद करता है सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट एच डिपार्टमेंट मार्केटिंग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो सब कॉर्डिनेशन क्रिएट करते हैं सब लोग आपस में बात करते हैं और ज़्यादा ध्यान काम पर दिया जाता है वहीं पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ घाटा भी है जैसे क्लास क्योंकि जहाँ पर स्केलर चेन फॉलो होता है जहाँ कहीं भी स्केलर चेन फॉलो होता है वहाँ एक्शन में आपको डीले मिलता है ज़्यादा ध्यान सिर्फ काम पर ही दिया जाता है सोशल लीड ऑफ Employee, कुछ एम्प्लॉय की सोशल नीड भी है, है ना कुछ नेचुरल लव अफेक्शन फ्रेंडली रिलेशनशिप वो सब नहीं देखा जाता और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय कभी भी करेक्ट फीडबैक नहीं देता उसे डर रहता है क्लास जैसे आप अपने टीचर से सही बात नहीं बोलते अपने दोस्त से बोल सकते हो इनफॉर्मल का फायदा क्या है क्लास फास्ट कम्युनिकेशन इनफॉर्मल इनफॉर्मल में गप आग की तरह फैल जाती है दोस्तों में बात सोशल लीड पूरी हो जाती है एम्प्लॉज की फीडबैक भी करेक्ट मिलता है तो जो उसका डीमेरिट था वो इसका मेरिट है कोऑर्डिनेशन तो क्लास हर जगह आप यूज कर सकते हो यूनिटी एंड टुगेदरनेस सीधी सी बात है फ्रेंडली रिलेशनशिप बनता है तो सबके बीच में यूनिटी रहती है टुगेदरनेस रहता है लोग दूसरे को समझते हैं बट कुछ घाटा भी है कई बार फॉर्मल में रूमर्स

अब हमारा जो ये मेन टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सीधी सी बात है एक इंसान कभी सारा का सारा काम नहीं कर सकता तो उससे क्या करना पड़ेगा पावर को नीचे लेवल पे डेलीगेट करना पड़ेगा क्योंकि वो इंसान सारा काम खुद नहीं कर सकता तो वो कुछ ना कुछ काम नीचे लेवल पे बांट रहा है दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को नीचे लेवल पर देगा कि भाई खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तो वो ओवरबर्डन फील करेगा काम कर ही नहीं पाएगा तो आप जिस इंसान से कुछ काम करा रहे हो उसे कुछ पावर भी दो दिस दिस डेलीगेशन ऑफ पावर इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आप कुछ ना कुछ नीचे लेवल पे काम बांटोगे और पावर को भी बांटोगे दिस इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डेलीगेशन में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है जस्ट आपके ऊपर वाला जो बॉस होता है वो आपको काम देता है मे बी आप भी नीचे काम किसी को दे सकते हो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन लेकिन जब आपने मान लो ए ने बी को काम दिया और बी बहुत सारे और लोगों को नीचे काम बांट रहा है बराबर बराबर सबको शेयर कर रहा है पावर को दिस ज कॉल्ड डिस डिसेंट्रलाइजेशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन के तीन एलिमेंट है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी वनी वर्कलोड और अकाउंटेबिलिटी आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क अकाउंटेबिलिटी क्या होता है आंसरेबल फॉर नॉन अकम्पलिशमेंट ऑफ टास्क काम पूरा अगर नहीं हुआ तो कौन जवाब देगा बेटा ध्यान सुनना रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे लेवल पर दिया जाता है अथॉरिटी को नीचे लेवल पर दिया जाता है लेकिन अकाउंटेबिलिटी हमेशा मैनेजर की रहती है अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड

बराबर रहता है अब एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजर्स कुछ पावर अपने हाथ में होल्ड करके रखते हैं वो नीचे किसी को शेयर नहीं करते दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजर कहते हैं भैया देख ये पावर मेरे हाथ में रहेगी इसके लिए तुम्हें मेरे से पूछना पड़ेगा दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन और जब पावर को सिस्टमेटिकली एक वर्ड बोल रहा हूं सिस्टमैटिकली इवनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी द्वारा सबको सबको शामिल कर दिया जाता है सबका इन्वॉल्वमेंट लाया जाता है This ज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए कंपनी को पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए कंपनी को एक मिक्स पॉलिसी अपनानी चाहिए सेंट्रलाइजेशन की और डिसेंट्रलाइजेशन की इंपोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और डिसटाइशन डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है इंपोर्टेंस का मतलब बेनिफिट देखो काम को नीचे लेवल पर बांटे तो सबसे पहला फायदा क्या था मोटिवेशन टू एम्प्लॉज सीधी सीधी बात है आपने नीचे लेवल पे काम को बांटा है मतलब आप भरोसा करते हो उसके ऊपर और आप उसे अपना काम दे रहे हो पावर दे रहे हो तो ही गेट्स मोटिवेटेड जैसे आपके स्कूल वाले अपना काम आपसे कराते थे तो आपको लगता है मैं कुछ हूँ तभी मुझे करवा रहे हैं ठीक है इंप्लॉइज डेवलपमेंट सीधी सी बात है जब आप अपना रूटीन वर्क एम्प्लॉय को दोगे करने के लिए तो एम्प्लॉय के अंदर भी क्लास कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आएगा एक मैनेजरल टैलेंट उसके अंदर डेवलप होता चला जाएगा जैसे कंपाउंडर को एक डॉक्टर के पता होता है डॉक्टर कौन सी दवाई लिखेगा तो कई बार आप कंपाउंडर से भी इलाज करा सकते हो वो भी आपका इलाज करा देगा हालांकि क्लास बड़ी जगह पर रिस्क भी होता है वर्कलोड ऑफ मैनेजर अगर मैनेजर अपना छोटा मोटा काम नीचे ले, नीचे लेवल के लोगों से करवा रहा है तो जो उसका वर्कलोड है वो कम होगा एफिशिएंट इफेक्टिव मैनेजमेंट मैनेजमेंट अपना छोटे मोटे काम अगर नीचे लेवल के लोगों से करवा ले रहा है यानी कि अपने अपने सबॉर्डिनेट से करवा रहा है तो क्लास उसके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा इंपॉर्टेंट मैटर्स पर जो जरूरी चीज़ें हैं उन उनपे ध्यान देने के लिए फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में भी ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा कहने का मतलब क्या है कि भैया देखो मैनेजर का भला हो रहा है इससे एम्प्लॉय का भला हो रहा है दोनों का भला हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करेगा और क्लास तालमेल अच्छा बनेगा सब सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकेंगे उम्मीद है क्लास थोड़ी सी वीडियो लंबी बन गई क्योंकि आपको पता है कितना बड़ा चैप्टर है बट मैंने कोशिश की है मैंने आपको डिटेल भी करा रखा है पूरा का पूरा चैप्टर क्लास आज मैंने टेन मिनट सीरीज के अंदर भी इसे कराया उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा मैं बहुत सारी चीजें और लेके आऊंगा बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो वीडियो को शेयर करो सारा कुछ लर्न करके इंस्टाग्राम पर मुझे मैंशन करो मैं देखता हूँ आप कितना कितना पढ़ रहे हो ओके शेयर करना वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ट्वेल्थ बोर्ड के लिए प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक लेकिन बाबा गॉड ब्लेस यू